इलाकों में रोजगार सेवक द्वारा नरेगा में किए गए बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। परेशान श्रमिकों द्वारा खंड विकास अधिकारी ने अपने पैसे को वापस ले जाने की गुहार भी लगाई है और प्रदर्शन भी किया है। पूरा मामला ग्राम दौदापुर विकास खंड बेवर का है। यहाँ पर सेक्रेटरी विजय कुमार और रोजगार सेवक विजय कुमार की मिली भगत से नरेगा का पूरा पैसा निकाल कर बंदर बांट कर लिया। गरीबों का हक छीनने वाले यह लोग आज भी गरीबों को परेशान करने से बाज नहीं आ रहे। हद तो तब हो गई जब नव निर्वाचित ग्राम प्रधान मंजू देवी के बगैर बताए तानाशाह रोजगार सेवक विजय कुमार नरेगा का काम कराने के लिए चला गया। यह बात ग्राम प्रधान को जैसे ही पता चली वैसे ही उन्होंने गरीब पात्र लोगों को नरेगा में काम करने के लिए भेजा। तानाशाह विजय कुमार उर्फ नीरू रोजगार सेवक ने उन गरीब लोगों को वहाँ काम करने से मना कर दिया। ग्रामीण गरीब पात्र लोग वापस आकर जब ग्राम प्रधान से कहा तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से सभी नरेगा में काम करने वाले लोगों की बैठक बुलाई। बैठक में एक एक कर सभी मजदूरों ने अपनी फरियाद सुनाई। जब ग्रामीणों की शिकायतों को प्रधान ने सुना तो तत्काल प्रभाव से प्रधान द्वारा सभी रोजगार सेवकों से एक शिकायती पत्र लिखवाया गया और खंड विकास अधिकारी को फोन कर अवगत कराया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से ग्राम दौदापुर का औचक निरीक्षण किया जिसमें शौचालय तथा गांव की साफ सफाई देखी। जब ग्रामीणों ने शिकायत की जिस पर तत्काल प्रभाव से रोजगार सेवक विजय कुमार को तत्काल प्रभाव से बुलाया गया। खंड विकास अधिकारी द्वारा मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। कितने रुपए दे देते थे और वो कितने रख लेते कितनी बार तुमको दिए 3 दिन से अच्छा ये पैसे कौन ले लेता है कौन नीरू रोजगार सेवक है वो अच्छा तो तुम्हारे खाते में तुम पैसे उनको निकाल के देती थी या वो ले लेते अच्छा तो आपने मना नहीं किया कि ये हमारी मेहनत की कमाई अच्छा अच्छा क्या नाम है आपका किस गांव के निवासी हो पहले खाते में 25 रुपए पड़ते थे तुम्हारे कितने पड़ते थे बता दे 202 पहले मिलते थे मिलने नहीं तुम्हारे खाते जो रुपए जो लेते थे कितने ले लेते थे 1856 पड़े थे 26 तुम्हें कितने देते थे कितनी निकाल देते बाकी पैसे वो ले लेते थे कौन लेता था क्या नाम है।